नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ पुस्तक खुलते पंख की कविता मन करता है को पढ़ेंगे तथा उसके भावार्थ को समझते हुए पुस्तक में दिए गए अभ्यास कार्य को भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले हम कविता पढ़ लेते हैं। कविता कुछ इस प्रकार से है। मन करता है पंछी बन उड़ जाएं हम, सूरज चंदा से बतियाते दूर दूर हो आए हम। मन करता है दूर देश रहती हैं परियां, लाल रुपहली सुंदर परियां, जादू की छड़ लिए हाथ में छू मंतर हो आए हम। मन करता है प्यारी प्यारी चंचल मछली अटकेली करती है जल में, सागर सागर मचल मचल कर मोती कुछ चुन लाए हम। मन करता है आसमान में घूमा करते घूंघर वाले काले बादल, गड़गड़ गड़गड़ शोर मचाकर टप टप जल बरसाए हम। मन करता है बाहर सब कितना सुंदर है, भरा खजाना खुला हुआ है, तोड़ ताड़ कर बंधन सारे झोली अपनी भर लाए हम। मन करता है। प्यारे बच्चों, इस कविता में बच्चे अपनी मन की इच्छाएं व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हमारा मन करता है हम पंछी बन जाएं और दूर दूर तक उड़ जाएं, इतनी दूर कि सूरज चंदा से भी बातें कर सकें। बच्चे आगे कहते हैं कि वह दूर देश में रहने वाली सुंदर लाल रुपहली परियों की तरह जादू करना चाहते हैं। वे आगे कहते हैं कि जादू करते हुए वे गायब होने तथा वापस आने का खेल खेलना चाहते हैं। इन पंक्तियों में बच्चे आगे अपने मन की इच्छाएं व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वह चंचल मछलियों की तरह पानी में खेलना चाहते हैं। इस तरह सागर सागर खेलते हुए वह पानी से मोती चुनकर लाना चाहते हैं। आगे इन पंक्तियों में बच्चे कहते हैं कि वह काले बादल बनकर आकाश में घूमने की इच्छा रखते हैं। गड़गड़ गड़गड़ आवाज करते हुए वह टप 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 पानी बरसाना चाहते हैं। आगे इन पंक्तियों में बच्चे अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यह संसार बहुत सुंदर है, सब कुछ एक अनमोल खजाने की तरह है जो हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। वे बच्चे सारे बंधन तोड़कर आजाद होना चाहते हैं तथा उस खजाने से अपनी झोली भरकर लाना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह थी आपकी कविता मन करता है। अच्छी लगी ना? बिल्कुल आपके मन की तरह। आइए अब इस कविता का भावार्थ समझ लेते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि बच्चे बड़े ही सीधे सरल और कल्पनाशील होते हैं। प्रकृति की और संसार की सभी चीजें उन्हें आकर्षित करती हैं और उनके मन में तरह तरह की इच्छाएं जगाती हैं। वे खुलापन और आजादी चाहते हैं। आइए अब पाठ में आए हुए अभ्यास कार्य को कर लेते हैं। चलिए अब कुछ प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हम कौन हैं? उत्तर है, हम यहाँ कवि ने बच्चों के लिए प्रयोग किया है। दूसरा प्रश्न है, बच्चों का क्या क्या बनने का मन करता है? उत्तर है, बच्चों का पंछी परियां मछली और बादल बनने का मन करता है। तीसरा प्रश्न है, बच्चे पंछी बन क्या करना चाहते हैं? उत्तर है, बच्चे पंछी बनकर सूरज और चांद से बातें करते हुए दूर दूर तक घूमना चाहते हैं। चौथा प्रश्न है, बच्चों का मछली बनकर क्या करने का मन करता है? उत्तर है, बच्चों का मछली बनकर पानी में खेलने तथा सागर से मोती चुनकर लाने का मन करता है। प्यारे बच्चों, अब हम कुछ लिखित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, बच्चे कौन कौन से बंधन तोड़ना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है, बच्चे समाज तथा बड़ों द्वारा बनाए गए बंधन तोड़ना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारा क्या क्या करने का मन करता है? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर को आप खुद करेंगे। अगला प्रश्न है, जो दिए गए शब्द का समानार्थी नहीं है उस पर गोला लगाइए। पहला है पंछी, इनके समानार्थी शब्द हैं पंछी, चिड़िया, तोता तथा खग। तो बच्चों, तोता पंछी का नाम है इसलिए हम तोते पे गोला लगाएंगे। दूसरा है सूरज, इसका समानार्थी शब्द है
रवि, सूर्य, भास्कर और रोशनी सूरज से हमें प्राप्त होती है। सो रोशनी समानार्थी शब्द नहीं है, हम इस पर गोला लगाएंगे। तीसरा है चंदा, चांद, चंद्रमा और शशि, ये इसके समानार्थी शब्द हैं तथा चांदनी हमें चंदा से प्राप्त होती है, इसलिए चांदनी पर हम गोला लगाएंगे। जल का समानार्थी शब्द है पानी, नीर तथा वारी। नदी जल का स्रोत है, इसलिए हम नदी पर गोला लगाएंगे। सागर, सागर का समानार्थी शब्द है समुद्र, सिंधु और जलधि। सरिता हम नदी को कहते हैं, इसलिए हम सरिता पर गोला लगाएंगे। तो बच्चों तीसरा प्रश्न है, संज्ञा शब्दों के सामने सही विशेषण चुनकर लिखो। विशेषण सामने दिए कोष्टक में हमें मिल जाएंगे, उन विशेषणों से हमें संज्ञा शब्दों को पूर्ण करना है। पहला शब्द है मछली, इसका विशेषण हम यहाँ से चुनेंगे और वो होगा चंचल। अगला शब्द है आसमान, इसका विशेषण होगा खुला। अगला शब्द है सागर, इसका विशेषण होगा गहरा। अगला शब्द है परियां, जिसका विशेषण होगा सुंदर। बादल, जिसका विशेषण होगा काले। और अंतिम शब्द है पंछी और विशेषण होगा गाते। तो प्यारे बच्चों अंतिम प्रश्न है वाक्य बनाओ। पहला शब्द है दूर दूर और इसका वाक्य है रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता है। दूसरा शब्द है प्यारी प्यारी, इसका वाक्य है बाग में प्यारी प्यारी तितलियां उड़ती हैं। तीसरा शब्द है तोड़ तोड़ और इसका वाक्य है राधा ने फूल तोड़ तोड़ कर फेंक दिए। तो प्यारे बच्चों इस तरह से समाप्त होता है यह पाठ। यदि आप इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।